हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, लेकिन हमें अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन के साथ। जैसे सिचुएशन आ रही है हमें अपने आप को भी वैसे ही बनाना पड़ता है, और कोई हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है। तो बस यही है कि हमने कुछ टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगवाई हमारी, फिर टीचर्स की सपोर्ट के वजह से हमारा फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और हम अच्छे से हमारी पढ़ाई। आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज़ लाइन के साथ और मैं हूँ परवेज़ बट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संजना मन्हास और इनके साथ इनकी मम्मी भी मौजूद है। संजना मन्हास जो बगला की रहने वाली है, एक बैकवर्ड एरिया की रहने वाली है। बहुत सारे हम जब भी हम रिज़ल्ट निकालते तो हम हमेशा हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम उन बच्चों को सामने लाएँ जिन्होंने टॉप किया हुआ है। लेकिन बगला से एक बैकवर्ड एरिया से जो है एक बच्ची ने नीट क्वालिफाई किया हुआ है। अब जब भी सुनते होंगे कभी जम्मू का, कभी डोडा का, कभी अलग अलग जगहों का नाम सुनते थे, लेकिन बगला का नाम जो है आज तक सुनने में नहीं आया था। आज सुनने में आया तो सोचा इनसे बातचीत कर लें। संजना जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। संजना मन्हास, जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। बगला के रहने वाले हैं और नीट क्वालिफाई किया आपने, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। हमारे गांव से ज़्यादातर लोग किया नहीं अभी तक उन लोगों ने, तो हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ा है, बचपन से ही डोडा में पढ़ा है। और जब 12th की तो उसके बाद फिर सब बोल रहे थे कि अब जम्मू जाना पड़ेगा कोचिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डोडा में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स हैं नहीं नीट के लिए। तो उस टाइम पे पता चला कि यहाँ पे यूनिक क्लासेस हैं करके, नीट यहाँ पे नीट की कोचिंग होती है। तो हमने यहाँ पे एडमिशन ली और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा पढ़ाया, सबने बहुत सपोर्ट किया हमें। तो यही है कि एक तो लोकल है यहाँ पे ही, सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? अपने सपोर्ट का सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? सपोर्ट फैमिली का तो होता ही है सपोर्ट, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टीचर्स भी आपको हेल्प करते हैं आपके इस जर्नी के थ्रू, आपके साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। तो टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी बातचीत की जो 10th और 12th के रिजल्ट निकले, तो कई बच्चों का एम रहता है कि हमने सिर्फ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन 12th के बाद बहुत सारे बच्चे जो है अपना इरादा बदलते हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो है काफ़ी मुश्किल है, क्या कहेंगे? नहीं मतलब मुश्किल तो हर चीज़ होती है, इजी कुछ होता नहीं है। तो ये नीट है, हाँ टफ तो होता ही है, तो अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मैंने ये करना है तो करना ही है। और टीचर से हेल्प लो, जब समझ नहीं आता कुछ तो टीचर से पूछो, अपने फैमिली से बात करो। और एम बदलना कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, हर चीज़ टफ होती है, तो नीट भी टफ है। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो पहले तो नर्सरी से लेकर 10th तक मैंने पैरामाउंट में पढ़ा है, पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। और उसके बाद 11th 12th मैंने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से की है। स्कूल तो अच्छे ही थे दोनों। स्कूल अच्छे थे। तो उसके बाद जानना चाहूँगा कि कोविड पैंडमिक रहा और इस बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस रहा? हाँ कोविड पेंडेमिक रहा 1 साल, हमें ये कोचिंग हमारी ऑफ भी हुई कुछ टाइम तक, उस टाइम हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगते थे। लेकिन हमें अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन के साथ, जैसे सिचुएशन आ रही है हमें अपने आप को भी वैसे ही बनाना पड़ता है, और कोई हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है। तो बस यही है कि हमने कुछ टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगवाई हमारी, फिर टीचर्स की सपोर्ट के वजह से हमारा फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और हम अच्छे से हमारी पढ़ाई हो रही थी। संजना, जानना चाहूँगा कि डॉक्टर बनने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से जितने डॉक्टर्स यहाँ ढूंढ रखे थे पहले, वो यहाँ से जो है बाहर चले जाते हैं, तो आप क्या करोगे? सर्व करना है लोगों को, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे किसी गांव में हो या शहर में हो, तो डोडा में ही मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। चलिए अब इनकी मम्मी से बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी इनको हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत जो है फैमिली करती है, बहुत मेहनत करती है। आंटी, बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आंटी, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी नीट क्वालिफाई की आपकी बेटी ने, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझको, बहुत खुशी हो रही है। मैंने बच्चों के पीछे बड़ी मेहनत करती हूँ और आज भी करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहले किसने खुशखबरी सुनाई? सबसे पहले तो इसी ने सुनाई थी, क्योंकि हम बैठे थे बेड पे उस वक्त, हमारे उधर गांव में लाइट भी नहीं थी तो हम सोने जा रहे थे। इसने वेबसाइट खोली तो कहती है मम्मा लिस्ट निकल गई, तो अब मैं खोलूँगी नहीं, क्या पता मेरा नाम होगा कि नहीं। मैंने बोला खोल बेटा खोल, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा फिर क्या हुआ। तो फिर इसने खोली, कहती है हाँ आ गया, मुझे मिल गया कॉलेज।
जानना चाहूँगा कि बगला पंचायत बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ से जो है शायद पहली बार जो है किसी बच्चे ने नीट क्वालिफाइड किया, तो अड़ोस पड़ोस में बड़ी खुशी होती होगी। हाँ, वो तो होती है, गांव में खुशी होती है, सब उन्हें मुबारकबाद दी। मतलब आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी। जब पिछले साल मुझे ये पता चला कि कोविड है और जम्मू में भी क्लासेस ऑनलाइन ही हैं, फिर मुझे किसी ने बोला कि आप उधर क्यों जा रहे हो, इधर क्लासेस खुली यूनिक सेंटर में, वहाँ अपनी बेटी की एडमिशन करवाओ। फिर मैं एक दिन इधर आई तो इधर मैंने पूछा सर, किसी को पूछते पूछते मैं यहाँ पहुँच गई, तो सर से पूछा कि आप ही हो, कहते हाँ हम इधर करवा रहे हैं कोचिंग, तो मैंने इधर एडमिशन करवाई बेटी की। तो क्लासेस अच्छी लगी, बेटी की क्लासेस अच्छी शुरू हुई, टीचरों ने इसकी बड़ी मदद की। फाइनली मेहनत रंग लाई। मैंने हाँ लाई, मेहनत रंग लाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से बाहर कोचिंग करने के लिए जाते हैं, खास करके अगर जब भी आप नीट कोचिंग हो तो यहाँ से जो है बाहर चले जाते हैं, जम्मू चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं। लेकिन डोडा में जो है यूनिक नाम के, जैसे ने बताया, एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे जो है बच्चों को नीट कोचिंग दी जा रही है। ठीक, संजना भी यहीं से निकल के गई है। ठीक, इसकी मम्मा ने बताया कि एक बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, और आंटी की काफ़ी सारी फैमिली की तो काफ़ी मेहनत रहती है इसके बीच में, लेकिन टीचर्स की जो है काफ़ी सारी मेहनत रही है। कुछ और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा से नीट क्वालिफाई किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे टुडे न्यूज़ 9। बहुत बहुत शुक्रिया।